हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी दीप। आज की क्लास में मैं आपके लिए एक डीआई लेके आया हूँ जो प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इस डीआई में मैं आपको प्रॉफिट और लॉस का हल्का सा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और उसे शॉर्ट ट्रिक से यूज करना भी बताऊंगा कि आप एग्जाम में किस बेस्ट अप्रोच से कम टाइम में ऐसी डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर चलो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो कुछ डायरेक्शन दी गई है वो डायरेक्शन हम यहाँ रीड कर लेते हैं। उस डायरेक्शन में क्या कहा गया है, फाइव शॉपकीपर्स ए बी सी डी ई एंड ई परचेज शुगर फ्रॉम मोहनदास होल सेलर एट द सेम रेट। ए यूजेज ए वेट ऑफ 900 ग्राम्स इन स्टेड ऑफ 1000 ग्राम्स वाइल सेलिंग हिज गुड्स ऑन द अदर साइड। बी यूजेज वेट ऑफ 25% लेस एंड 25% मोर वाइल सेलिंग एंड परचेजिंग रेस्पेक्टिवली। बट ए एंड बी क्लेम टू सेल शुगर एट कॉस्ट प्राइस। सी सेल्स हिज शुगर एट 5% मोर देन कॉस्ट प्राइस एंड D sells 25% more than cost price. E sells at a price of 25% more than the cost price and also uses a weight of 800 grams. ये कैसलर डी आई है। इस कैसलर डी आई में अपन को क्या करना होगा कि क्वेश्चंस पढ़ के अपन को जवाब देना होगा। इससे पहले हमें इस जो ये जो हमारे पास डायरेक्शंस दी गई हैं इनके हिसाब से क्वेश्चन को सेट करना होगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो उसके हिसाब से पहले हमें ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी, इनको एक रूपरेखा एक इक्वेशन बनानी होगी, उस इक्वेशन के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर इस कैसलर डी आई को आप सॉल्व नहीं करोगे सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले इस कैसलर डी आई को सॉल्व करें। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए इसे सबसे लास्ट में करें मेरी अगर राय अगर आप माने तो। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता हूँ कि प्रॉफिट और लॉस क्या क्या होते हैं। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है कि जब हम कोई वस्तु है इस वस्तु को खरीदते हैं तो उसे जिस वस्तु जिस रेट पर उसे खरीदते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस रेट पर इसे बेच देते हैं उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमारे पास प्रॉफिट होगा, सीधा सीधा हमें लाभ होगा हिंदी में कहें तो। और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हमें सीधे सीधा लॉस होगा। भाई सीधी बात है, अगर आप कम दाम में खरीदोगे और ज़्यादा दाम में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और उससे आप ज़्यादा में खरीद के कम में बेचते हो तो लॉस होगा। ये चार चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद एक मार्क प्राइस और होती है। मार्क प्राइस क्या होती है और एक डिस्काउंट क्या होता है। मार्क प्राइस क्या होती है कि कोई वस्तु है तो उस पर जो हम मूल्य अंकित करते हैं वो होती है हमारी मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, सेलिंग प्राइस से कम भी हो सकती है, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज़्यादा होगी। और डिस्काउंट जो है वो हमेशा कॉस्ट जो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही हमें निकालना होता है, हम सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं निकाले। अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो हम सेलिंग प्राइस पे देखेंगे, लेकिन अन्यथा हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब सीधे मैं क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ। हमारे पास यहाँ क्या क्या कहा गया है कि सबसे पहले कह रहा है पांच शॉपकीपर हैं, तो मैं सबसे पहले पांच को शॉपकीपर लिख लेता हूँ। एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। इन पांच शॉपकीपर के बारे में बात की जाएगी। अब चूंकि प्रॉफिट लॉस के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन, तो हम इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस देखेंगे। तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देख लेते हैं, उसके बाद में इसमें देख लेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उस हिसाब से अपन निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि ए जो है वो 900 ग्राम ए यूजेज ए वेट ऑफ 900 ग्राम्स इन इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम वाइल सेलिंग हिज गुड ऑन द अदर साइड बी। वो कह रहा है कि जो ए जो है वो 900 ग्राम तो वो ख़रीदता है, मतलब 900 ग्राम की रेट पे तो वो ख़रीदता है, लेकिन 1000 ग्राम की रेट पे, मतलब वो कह रहा है कि अगर ए जो है वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम की रेट पर उसे बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 900 और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 1000, तो उसे कितना हो रहा है, 9 पे ख़रीद रहा है और 10 पे बेच रहा है, तो 900 × 1000 हो जाएगी ना सीधे सीधा। फिर वो कह रहा है कि वाइल सेलिंग इज गुड ऑन अदर साइड बी यूजेज वेट ऑफ 25% लेस, लेकिन अगर
वो दूसरी साइड पर अगर बी उसको यूज करे उस वेट को, तो वो 25% कम पे वो बेच रहा है, कम पे यूज कर रहा है। 25% लेस का मतलब क्या हो जाएगा? 25% को हम 1/4 भी कह सकते हैं। 1/4 का मतलब है कि 4 में वो खरीद रहा है और 1 का मतलब मतलब 4 की जगह वो किस में खरीद रहा है, क्वांटिटी हो जाएगी 3, 3 की 3 यूज कर रहा है, 4 में 4 पे बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है 25% मोर, 25% मोर 1/4, 25% 1/4 हो गया, लेकिन बेच कितने रहा है 25% ज़्यादा पे, मतलब 4 से 1 ज़्यादा, तो 4:5 आ जाएगा। मतलब 3:4 पे तो क्वांटिटी यूज कर रहा है, 25% कम यूज कर रहा है और 25% ज़्यादा यूज कर रहा है सेलिंग में, बेचने में तो ये हो गए 4:5, और खरीदने मतलब क्वांटिटी में हो गया 3:4 का रेशियो, मतलब 4 की जगह 3 का यूज कर रहा है लेकिन बेचने में 4 की जगह 5 बेच रहा है, 5 का बेच रहा है। तो अब इसे हम टोटल अनुपात देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 3:5, और 3:5 अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। अब सी का देखते हैं, सी का क्या कह रहा है, ए और बी क्लेम टू सेल शुगर एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे ही वो शुगर को बेचने का क्लेम कर रहे हैं। सी सेल हिज शुगर एट 5% मोर, अगर सी जो है उस अपनी शुगर को 5% ज़्यादा पर बेच रहा है, 5% ज़्यादा कितना हो गया 120, 120 का मतलब 20 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 21 कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, एक ज़्यादा हो गई ना ये। उसके बाद वो कह रहा है दी सेल्स 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस, दी 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 4 की जगह 5 में बेच रहा है वो। ई सेल्स एट ए प्राइस ऑफ 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस, 25% ज़्यादा है मतलब 1/4 ज़्यादा है, तो मतलब 4 की जगह वो 5 है उसकी कॉस्ट प्राइस। फिर उसके बाद कह रहा है आल्सो यूजेज ए वेट ऑफ 800 ग्राम्स, 800 ग्राम की जगह वो 1000 का यूज करेगा, मतलब तो ये हो जाएगा 800, 1000 की 800 का यूज कर रहा है ना, तो ये 2 जीरो से कट जाएगी, ये हो जाएगा 8:5:10, तो इसे हम 4:5:5 लिख सकते हैं, और टोटल जो रेशियो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 16:25, 4 6 16 और 5 5 25, तो यहाँ लिखेंगे 16:25। ये हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, पहला क्या आया 9:10, दूसरा 3:5:5, तीसरा आया 20:21, चौथा 4:5, और पांचवा था 16:25। तो ए का ये, बी का ये, सी का ये, डी का ये, ई का ये, दोबारा देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ए यूजेज ए वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, ए क्या कर रहा है कि बेचने में 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम को बेच रहा है, तो मतलब उसका रेशियो कितना हो जाएगा 9:5:10 होगा, कि भाई 10 की जगह 9 को बेच रहा है ना, तो 9:5:10 हो गया, 1 का ज़्यादा बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट होगा, 1/9 प्रॉफिट हो जाएगा, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करेंगे 1/9 × 100, इसका कैसे निकालेंगे। इसके बाद वो कह रहा है कि बी यूजेज ए वेट ऑफ 25% लेस, मतलब वेट में तो 25% कम कर रहा है, मतलब 4 की जगह 3 यूज कर रहा है, लेकिन सेल प्राइस सेल करने में वो 4 की जगह 5 का यूज कर रहा है, तो इस तरह से हो जाएगा 3:5:4 और 4:5:5, तो 3:5:5 आ जाएगा। इसी तरह से हम सी का निकालेंगे, इसी तरह से डी का, इसी तरह से ई का। तो हम क्वेश्चंस की ओर आगे चलते हैं, ठीक है। ये आप लिख लेना एक तरफ कहीं भी, 9:10 ए का है, बी का 3:5:5 है, सी का 20:21 है, डी का 4:5:5 है, और ई का 16:25 है। ये सी पी और एस पी का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो नहीं, कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अगर निकालना हो तो सी पी पर निकालेंगे, और प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एस पी माइनस सी पी। हमारा पहले क्वेश्चन से, इफ़ बी परचेजेज शुगर वर्थ 5000 रुपीज एट होलसेलर शॉप, हाउ मच मनी ही विल अर्न बाई सेलिंग शुगर वर्थ हिज दिस अमाउंट। वो कह रहा है अगर बी जो है 5000 की शुगर जो है वो परचेज कर रहा है होलसेलर शॉप से, तो वो कितना मनी कमाएगा इन दिस उस शुगर को बेचने में, मतलब उसको कितना प्रॉफिट होगा, अर्न कह रहा है ना, प्रॉफिट होगा कितना प्रॉफिट होगा, तो हमें प्रॉफिट निकालना होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमें निकालना होगा, फिर कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। कॉस्ट प्राइस उसने दे रखा है 5000 है, अब हमें पास सेलिंग प्राइस नहीं है, लेकिन हमारे पास बी का रेशियो था, बी का रेशियो कितना था, बी का रेशियो था 3:5, 3 कितनी थी कॉस्ट प्राइस थी, 5 कितनी थी सेलिंग प्राइस थी, लेकिन 3 जो है ये 5000 के बराबर है,
35,000 के बराबर है। या फिर हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा इसका 2, 5 में से 3 गए तो 2, और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, 2/3 × 1000, वाह सॉरी 100, इसे निकालेंगे ये कितना आ जाएगा 66.66%। ठीक है, अब इतना परसेंटेज आ गया, मतलब इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो 5,000 का कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 5,000 का 2/3 होगा प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा 10,000/3, तो ये हो जाएगा 3,333.33 रुपीज़, इतने रुपए का प्रॉफिट उसे होगा। तो इतने रुपए का प्रॉफिट ही हमारे करेक्ट ऑप्शन 3 में। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये 3 जो है ये 5,000 के बराबर है, तो हमारे पास 3 जो है वो 5,000 के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर होगा, 5,000/3 × 2, वही क्वेश्चन बन गई, तो 10,000/3 3,333.33 रुपीज़ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ शॉपकीपर सी आल्सो स्टार्ट यूजिंग 900 ग्राम इन स्टेड ऑफ 1,000, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज। सी का अपने प्रॉफिट परसेंटेज देखा था, सॉरी सी का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो ऊपर कितना हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होगा इसका फॉर्मूला। तो हमें प्रॉफिट निकालना होगा पहले, फिर उसके बाद सीपी निकालेंगे, फिर उसके बाद वन हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन जो सी का जो था वो रेशियो कितना था, वो था 20:21। अब 20 यहाँ पे क्या था, 20 था अपना कॉस्ट प्राइस और 21 थी अपनी सेलिंग प्राइस, लेकिन वो ये कह रहा है कि 900 ग्राम यूज कर रहा है 100 की जाए, तो 900 यूज कर रहा है तो 900/100, मतलब टोटल तो उसके 900 ही है, लेकिन 100 बेच 1,000 तो बेच रहा है वो 1,000 बता के, लेकिन नॉर्मल तो वो 900 यूज कर रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे ऐसे रेशियो बनाएंगे, तो एक नॉर्मल रेशियो 2,0 से 2,0 कट जाएगी, फिर इससे बचेगा 20, 20 × 9 करेंगे, 20 × 9 कितना हो जाएगा 180, और 21 × 10 करेंगे कितना हो जाएगा 210, फिर 0 से कट जाएगी, फिर ये 6 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, 3 × 6 = 18 और 3 × 7 = 21, तो 6:5:7 का रेशियो आ जाएगा। अब 6:5:7 का रेशियो आ गया तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कॉस्ट हमारे पास ये 7 तो सेलिंग प्राइस हो गई, 6 क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 का, और हमेशा हम सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं 6 पे, तो 6 आ जाएगा नीचे और ये आ जाएगा 100, 1/6 कितना होता है, वो होता है 16.67%। तो ये अपना आंसर आ गया, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में, या 16.66 भी लिख सकते हैं या 16.67 भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ शॉपकीपर्स ई सेल्स शुगर फॉर 15,000 रुपीज ऑन फ्राइडे, व्हाट इज हिज नेट इनकम ऑन फ्राइडे। वो कह रहा है कि ई जो है वो 15,000 की शुगर बेच देता है, तो उसकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी, इनकम क्या होगी, वो हमेशा प्रॉफिट होगा, तो हमें यहाँ प्रॉफिट ही तो निकालना है कि प्रॉफिट कितनी होगी, तो प्रॉफिट निकालना, तो सबसे पहले हमें हमारे पास सेलिंग प्राइस तो दे रखा है उसने 15,000 की दे रखी है, लेकिन हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, और हमारे पास ई का जो रेशो था वो था 16:25, तो प्रॉफिट यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 9, यहाँ पे 25 कितना है 15,000, तो 9 कितना हो जाएगा 15,000 अपन 25 × 9, ये कर लेंगे, तो ये कर जाएगा 5 से 5 बार, ये 3, ये 9 × 27/5 आ गया, तो 5 × 5 आ जाएगा 5×5 = 25, और 5 × 20 और 5,400 रुपये आ जाएगा, तो 5,400 रुपये अपनी इनकम। चौथा क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि इफ़ यू विश टू बाई द शुगर एट द चीपेस्ट रेट विद शॉपकीपर्स यू विल चूज, मतलब कि अगर तुम किसी शॉपकीपर से सामान खरीदना चाहोगे तो सबसे कम रेट पे शॉप कौन सा शॉपकीपर हमें सामान देगा, तो सबसे कम रेट पे कौन देगा, जो सबसे कम लाभ अर्जित करेगा, जो सबसे कम लाभ अर्जित करने वाला शॉपकीपर हम निकालना होगा, तो सबसे पहले अपन को सीपी और एसपी नहीं पता होनी चाहिए, फिर उसके हिसाब से लाभ निकालेंगे, जो सबसे कम लाभ दे रहा होगा, लाभ ले रहा होगा, वही हमें चीपेस्ट रेट पर सामान देगा, तो सबसे पहले मैं रेशियो लिख लेता हूँ इनका,
ए का रेशियो सी पी और एस पी का कितना था, 9:10, और बी का था 3:5, सी का था 20:21, डी का था 4:5 और ई का था 16:25। इसका लाभ देखें तो इसका लाभ कितना होगा, इसका प्रॉफिट कितना होगा, 1/9 × 100, तो 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 11.11%। इसकी बात करेंगे 3, 5 में से 3 गया था 2 से 3 पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना 66.66%। इसमें निकालेंगे 1/20 × 100 तो ये आ जाएगा कितना, 5%। इसको निकालेंगे 1/4 × 100 तो ये आ जाएगा 25%। इसका निकालेंगे 9/16 × 100, 9/16 × 100 कितना आ जाएगा, 56.25%। तो सबसे कम लाभ को किसको अर्जित हो रहा है, सी को हो रहा है 5%, तो सी को सबसे कम हो रहा है, तो मतलब सी सबसे चीपेस्ट रेट पर हमें सामान देगा, तो हम सी से ही सामान खरीदना चाहेंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड बाई ए एंड ई। वो डिफरेंस पूछ रहा है कि जो ए और ई का जो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो कितना था, ए यही है या ई आया, ई माइनस ए, इसमें से निकालना होगा। ई का अपन ने अभी चौथे क्वेश्चन में निकाला था कितना था, 56.25% था, और ए का अपन ने निकाला था 11.11%। इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1/4 और यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 4, तो 45.14% डिफरेंस ये अपन को क्वेश्चन में थर्ड नंबर ऑप्शन पे मिल गया, तो यही हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर आप हमें कोई सजेशन देना चाहो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारी जीमेल आईडी इस पर मेल कर सकते हैं, और इस फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप नए यूजर हो तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।